पूरी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी आर्मी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। देश भर में हो रहे पत्रकारों पर हमले, फर्जी मुकदमों में फंसाने की कार्रवाई और कोरोना व लॉकडाउन के नाम पर मीडिया घरानों द्वारा पत्रकारों के बड़े पैमाने पर की गई छटनी के विरोध में मंगलवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर NUJ बिहार के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर जिला इकाई द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान पत्रकारों पर हमले बंद करो, पत्रकारों की छटनी वापस लो और गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करो, झूठे मुकदमे वापस लो जैसे नारे भी लगाए। धरना में नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार NUJ बिहार के महासचिव रितेश अनुपम ने बताया कि यह विरोध मार्च सांकेतिक है, इसके बाद भी अगर मीडिया प्रबंधन द्वारा पत्रकारों की अवैध तथा अनैतिक छटनी नहीं रोकी गई तो अखबार के दफ्तरों के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकारों की छटनी रोकने और छटनी किए गए पत्रकारों की सेवा पुनः बहाल करने को लेकर प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे प्रबंधन को पत्रकार परिसंघ की ओर से चिट्ठी लिखी जाएगी। उन्होंने बताया कि NUJ बिहार राज्य सरकार से मांग करता है कि हाल के समय में पत्रकारों पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले हुए हैं। त्रिवेणीगंज, सुपौल, वैशाली, सिवान आदि कई जगहों पर पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे और उन पर हुए हमलों को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया सुस्त रहा है। अगर पत्रकारों पर हमले नहीं रुके तथा झूठे व फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो NUJ बिहार क्रमवार तरीके से आंदोलनात्मक रुख अख्तियार कर विरोध प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में राज्यपाल के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। संवाददाता नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट।